नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो भरना प्रारंभ हो गए हैं। 15/4/2024 से भरे जा रहे हैं, 14/5/2024 लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक कांस्टेबल का जो फॉर्म होगा वो भर के आप लोगों को दिखाऊंगा कि RPF कांस्टेबल का जो फॉर्म होगा वो आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर ये साइट है, इस साइट पर आप लोगों को आना होगा। साइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साइट पर आएंगे, पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अप्लाई वाला जो ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे क्रेडिट अकाउंट का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो वहाँ से आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रेडिट एंड अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्रेडिट अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके कर देंगे। कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ से आपको चूज करनी होगी। चूज करने के बाद फुल नेम आप लोगों को अपना जो पूरा नाम होगा वो डालना होगा। रीटाइप फुल नेम आप लोगों को अपना जो पूरा नाम होगा वो डालना होगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने चेंज किया है या करना है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और सिलेक्ट जेंडर, यहाँ से जेंडर चूज कर लेंगे। रीसिलेक्ट जेंडर से भी आप लोग अपना जो जेंडर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। फादर्स नेम, यहाँ पर पिताजी का नाम डाल देंगे और यहाँ पर भी आप लोग पिताजी का नाम जो होगा वो डाल देंगे। मदर्स नेम, माता जी का नाम डाल देंगे। रीटाइप मदर्स नेम में भी आप लोग अपनी माता जी का नाम डाल देंगे। अब आधार वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा और वेरीफाई यूजिंग आधार, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है, आई डोंट हैव आधार कार्ड, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल डाल देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। ईमेल आईडी यहाँ डालनी होगी, यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी जनरेट करनी होगी, जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी, और ओटीपी आ जाएगी ओटीपी डाल देंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे क्रेडिट योर पासवर्ड, आप लोगों को अपना पासवर्ड डालना होगा। कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ डालना होगा। और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको डालना होगा। कैप्चा डालने प्रीव्यू एंड क्रेडिट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको, मैं यहाँ पर सबसे पहले आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। आधार का जो ऑथेंटिकेशन होगा आप लोग करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे और जो डिक्लेरेशन है इस पर टिक कर देंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोग आएंगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर इस तरह का एरर आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग डिटेल्स चेक कर लेंगे कि आपके आधार कार्ड में सारी जो डिटेल है वो सही है। फिर अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा आधार वेरीफाइड। नीचे स्क्रॉल करते हुए सारी डिटेल सबमिट कर देंगे, उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रेडिट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा, यूजर क्रेडिट सक्सेसफुली। अब आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, अब आप लोगों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे जो भी है, और कैप्चा डाल देंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहां देख सकते हैं यहां पर दो पोस्टेज चल रही हैं, एक सब इंस्पेक्टर की है और एक कांस्टेबल की है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो भर के दिखाऊंगा कि आप लोग फॉर्म जो होगा वो किस तरीके से कैसे भरेंगे। कांस्टेबल वाला फॉर्म जो है वो नीचे वाला है। तो आई एम नॉट करंटली डिपार्ड बाई एनी RRB RRC, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्म के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। तो पर्सनल डिटेल में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। मैरिटल स्टेटस आप लोगों को यहाँ से भरना होगा। रिलीजन आप लोगों को यहाँ से चूज करना होगा। मदर टंग, आप लोगों की मातृभाषा कौन सी है वो आप लोगों को चूज करना होगा। चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी, आपके दो लिखने होंगे, पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरा। कम्युनिटी आपको चूज करनी होगी, कौन सी कम्युनिटी है, कम्युनिटी चूज कर लेंगे। कम्युनिटी का कम्युनिटी जैसी चूज करेंगे, यहाँ सर्टिफिकेट अगर SC के हैं तो SC वाले ऐसे चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, इशूइंग अथॉरिटी चूज कर लेंगे, डेट ऑफ इशू डाल देंगे। अगर आप ट्रेवल आउट पास फ्री चाहते हैं तो यस कर देंगे और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल देंगे और यहां से आप लोग जाति की जो PDF होगी वो अपलोड कर देंगे। नीचे आएंगे, प्रेजेंट एड्रेस में स्टेट चूज करना होगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा और कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, विलेज टाउन डालना, पिन कोड डालना होगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपको सेम है तो टिक कर देंगे, सेम नहीं है तो डिटेल भर देंगे। भरने के बाद सेव कर देंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेकेंड स्टेप आ जाएगा, पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अदर डिटेल का जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। आप लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो चूज कर लेंगे, यस कर लेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग इससे पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास डिटेल, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। मतलब EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं तो
तो आप लोग उसको चूज कर लेंगे, यस नहीं तो नो कर देंगे। नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसको चूज कर लेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर लेंगे। चूज करने का नीचे आप लोग आएंगे, आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, अगर आप लोगों ने क्या अप्रेंटिस जो है वो पूरी कर ली है तो आप लोग इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने का नीचे आएगी अकाउंट की डिटेल, तो सबसे पहले आप लोगों को नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आप लोगों को अपने बैंक में जो खाते में नाम है वो नाम डालना होगा, अकाउंट नंबर यहाँ डालना होगा और कन्फर्म अकाउंट नंबर में यहाँ अकाउंट नंबर डालना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा और कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करेंगे नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस अपने आप आ जाएगा, सेव कर देंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो सेकेंड स्टेप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड स्टेप आपके सामने आ जाएगा। पर्सनल डिटेल अदर डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब एजुकेशन डिटेल आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन यहाँ चूज है, यहाँ से आप लोग अपना स्टेट चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, बोर्ड लिख देंगे, डेट ऑफ पासिंग डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो RPF कांस्टेबल का फॉर्म है इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल ही मांगी गई है, तो अदर कोई क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें ऐड नहीं होगी, तो ये क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप लोग नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर ये सारा स्टेप जो है मैं आपको लाइव करके प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो आप लोग अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को आगे आने वाला सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये थर्ड स्टेप हमारा है, यहाँ पर ये थर्ड स्टेप जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। यहाँ आप लोगों को अपना जो फोटो होगा वो अपलोड करना होगा, फोटो का साइज यहाँ दिखाया गया है और वेट और हाइट जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। मैक्सिमम साइज जो है वो फोटो का 70 KB होना चाहिए और 30 KB से स्टार्टिंग होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया स्पेसिफिक ना फॉर फोटोग्राम, इट शुड बी ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड जो है इसका वाइट होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर का साइज यहाँ दिखाया गया है कि जो सिग्नेचर है वो 30 KB से 70 KB के बीच होने चाहिए, विड्थ और हाइट इसकी दिखाई गई है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की तरफ आना होगा, डिक्लेरेशन टिक कर देंगे, यहाँ पर जो है प्लेस लिख देंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे, तो प्रीव्यू करेंगे आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू होगा वो खुलकर आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे तरह आएंगे, आई हैव रीचेक्ड इस पर टिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए आपका ऑप्शन खुल चुका है, यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके फीस के जो माध्यम होंगे वो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। आप जिस माध्यम से भी अपनी फीस पे करना चाहते हैं वो माध्यम यहाँ से आप लोग चूज कर लेंगे। चूज करने का आप लोग अपनी जो फीस है वो पे कर देंगे, फीस पे करने के बाद आप लोग इसका जो फाइनल प्रिंट है वो ले लेंगे। मैं यहाँ पर अभी आपको लाइव पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को यहाँ से फीस पे करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये जो फॉर्म होगा इसका स्टेटस भी दिखाऊंगा और एक फॉर्म प्रिंट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ देख सकते हैं मैंने फीस पे कर दी है, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल का डियर आपका नाम दिखाई देगा, पेमेंट की सारी डिटेल दिखाई देगी। अब पेमेंट की जो रसीद है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करना अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने बाद आप लोग देखेंगे ऊपर वाले के जो फॉर्म है उसकी जो फीस है मैंने पे की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना जो फॉर्म है वो देख सकते हैं। देखने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दिया कि RPF कांस्टेबल का जो फॉर्म है जिसकी पोस्टें 4208 हैं, किस तरीके से कैसे उसका जो फॉर्म होगा वो भरेंगे, वो तरीका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। और इसके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 14/5/2024 है। आप लोगों को फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट्स में जानकारी को प्राप्त कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही।